बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे और आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज लाएंगे ताकि आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज मिल सके। सो इस एक्सपर्टाइज नॉलेज को गेन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम कुछ नए वीडियोज़ डालें तो वो आप तक पहुँचे। इस वीडियो के थ्रू अब हम पढ़ेंगे असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शन। तो पहले मैं एक बार आपको रिकॉल कराना चाहूँगी जो अभी तक हमने पढ़ा है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में, कि असेसमेंट ईयर जिसको हमने डिनोट किया था ए वाई से एंड प्रीवियस ईयर जिसको हमने डिनोट किया था पी वाई से। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं फिर इसके एक्सेप्शन को देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पहले एक्सेप्शन को देखेंगे, यानी कोई बिजनेस या प्रोफेशन जो नया सेटअप हुआ हो फाइनेंशियल ईयर में तो उसके ऊपर टैक्स का ऑब्लिगेशंस कैसे आता है, ठीक है। तो एक एसएससी एक पर्सन है, पर्सन कौन होता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन चुका है, आप उसको जाके देखेंगे, ठीक है। एक एसएससी है, एक पर्सन है तो उसने इनकम अर्न की है, इनकम अर्न की है यानी एक आय कमाई है जो कि 2000 से 18 में अक्टूबर में कमाई है, ठीक है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 2018-2019 यानी 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक उसके लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा। और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा उसके लिए, 2019 से लेके 2020 तक यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक वो उसके लिए असेसमेंट ईयर हो जाएगा। एक बार इसकी डिफिनेशन रिकॉल कराना चाहूँगी। प्रीवियस ईयर इज द ईयर स्टार्टिंग ऑन अ 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन अ 31 मार्च, ओके। प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर, प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर, ठीक है। पी फॉर प्रीवियस ईयर, पी फॉर प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर, ठीक है। और द ईयर इन विच इनकम इज earned, ठीक है। एंड असेसमेंट ईयर को रिकॉल कराना चाहूंगी, असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल और सक्सीडिंग और फॉलोइंग टू द प्रीवियस ईयर। आई होप आपको रिकॉल हो चुका हो, और अगर फिर भी थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप प्लीज प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की वीडियोज को देखेंगे, ठीक है। तो हमने तीन एक्सेप्शन की बात की थी वहां पे, कि तीन तरीके के एक्सेप्शन होते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के। तो हम इस वीडियो के थ्रू पहला एक्सेप्शन लेंगे, जब बिजनेस या प्रोफेशन, ठीक है, जब बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो न्यूली सेटअप हुआ हो, ठीक है, जब वो न्यूली सेटअप हुआ हो, ठीक है। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर शैल बी द पीरियड, इट शैल, shall means mandatory, it shall be the period beginning on, beginning or commencing, कहीं कहीं पे आपको word मिलेगा beginning or commencing, on the date of setting up of business, setting up of the business, यानी जिस दिन आपने, जिस date को आपने business start किया या profession start किया, ठीक है। and एंड कब हो रहा है, एंडिंग कब हो रही है, एंडिंग विथ 31 मार्च ऑफ सेड यानी उसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो वो प्रीवियस ईयर क्या होगा न्यूली बिजनेस के केस में, ठीक है। अगर सोर्स ऑफ इनकम जो है उसकी, सपोज जो उसकी सोर्स ऑफ इनकम है वो आ जाती है, दैट इज कम्स इन सेड यानी उसी सेम फाइनेंशियल ईयर में उसको इनकम हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, सॉरी प्रीवियस ईयर क्या होगा उसके लिए, द प्रीवियस ईयर कमेंस यानी स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑन विच द सोर्स ऑफ इनकम, the source of income newly comes into existence, यानी जब वो आती है पहली पहली बार उनको इनकम हो जाती है उस बिजनेस को, ठीक है। और एंड कब हो रहा है, एंड कब होगा, 31 मार्च
of the financial year. ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्विक से. मिस्टर एक्स थे, ठीक है, उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है, 13 अक्टूबर को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया से 2019 में. ठीक है, अब 13 अक्टूबर तो हमने अभी क्या पढ़ा, डेट, जिस डेट को स्टार्ट कर रहा है बिजनेस. ठीक है, सो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग ऑन डेट ऑफ कमेंसमेंट. ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 से कब हो रहा है, एंडिंग 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो एंडिंग क्या होगी फाइनेंशियल ईयर की, यहाँ पे 31 मार्च 2020, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर. ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि बिजनेस और प्रोफेशन अगर न्यूली सेटअप हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो उसमें जो इनकम जो अर्न की जाती है, जो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम प्रीवियस ईयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इसमें मैंने बताया है. या अगर कोई नई सोर्स ऑफ इनकम अराइज हो रही है तो उस केस में हमें प्रीवियस ईयर को कैसे कंसिडर करना है. ठीक है, तो इसकी इस वीडियो में हमने केवल एक यही समझा कि बिजनेस और प्रोफेशन जब न्यूली सेटअप हो. इसके दो और एक्सेप्शन स्टैंड करते हैं. दूसरा एक्सेप्शन है अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम में हम प्रीवियस ईयर कैसे लेंगे. ठीक है, और तीसरा जो हमारा एक्सेप्शन है कि जब प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही एसेस हो जाए. ठीक है, तो कुछ उस दो और हैं, उसको हम दो अलग सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे, उसको भी आप डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, सो कुछ स्टूडेंट ने नोट्स की बात की थी, फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलूँगी, अगर सॉफ्ट कॉपी है तो आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, और अगर हार्ड कॉपी है तो आप बुक के लिए हम पे कॉन्टैक्ट, हम तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कोई क्वेरी रह जाती है तो आप पूछ सकते हैं हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे पूछ सकते हैं. ठीक है, और डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए, न्यू कोर्सेज के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.commerceachiever.com पे. एजुकेशन, विद्या, ज्ञान हमेशा एसेट होती है, इस पर कभी भी स्पेंडिंग करें तो उसे खर्चा नहीं माने, क्योंकि वो हमेशा इंक्रीज होती है और हर बुरी परिस्थिति में वो काम आती है. ठीक है, तो अमाउंट स्पेंड इन एजुकेशन, यानी जो भी खर्च आप अपनी मना अपना जो कमाया हुआ धन एजुकेशन पे लगाते हैं, उसको हमेशा एसेट समझते हैं, वो हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी, वो कभी भी आपको गिराएगी नहीं, आप इतना ध्यान रखें. ठीक है, सो हमारे साथ जुड़े रहें, इस क्वालिटी एजुकेशन को ऑप्ट करते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें. ठीक है, जय हिंद, जय भारत.